जी एटेली ERP 9.0 का सेट 5 यानी पार्ट 5 की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर मैनर से कैसे हम टेली में यूज़ कर पाएंगे, काम कैसे करेंगे। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, इससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं टॉपिक। हम यहाँ बात डिस्कस करने वाले हैं बाउचर नेम के बारे में। अगर देखिए बाउचर कितने होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़ हम करते हैं नॉर्मली हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रा बाउचर F4 यानी फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्रा यानी बैंक की बात करेंगे हम। देखा रिकॉर्ड फंड ट्रांसफ़र बिटवीन कैश और बैंक अकाउंट। अगर आप किसी भी कैश या बैंक सॉरी कैश को बैंक के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो, ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो आप क्या यूज़ करोगे, कॉन्ट्रा का। अगर कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो कॉन्ट्रा का इस्तेमाल करोगे। इसमें तीन चीज़ें आप ख्याल रखना अच्छे से। डिपॉजिट करोगे तो कॉन्ट्रा, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करोगे तो भी कॉन्ट्रा का इस्तेमाल करोगे, और बाकी कोई पार्टी की बात अभी मत करना, ठीक है। जितना मैं समझा रहा हूँ उतना आप समझते जाना। तो क्या लिखा है, डिपॉजिट इनटू बैंक और ओपन बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर आप करते हो तो आप कॉन्ट्रा बाउचर का इस्तेमाल करोगे। अगर विड्रॉल कर रहे हो, तीसरा है चीज़ विड्रॉल करना। अगर पैसा निकाल रहे हो, ठीक है, तो भी आप कॉन्ट्रा का इस्तेमाल करोगे। तीन चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। आप बैंक पैसा डिपॉजिट करोगे, डी फॉर डिपॉजिट, और टी फॉर ट्रांसफ़र, और W फॉर विड्रॉल। तीन चीज़ में ख्याल रखना। ओके, अब देखते हैं पेमेंट। रिकॉर्ड ऑल बैंक एंड कैश पेमेंट। यदि आप पेमेंट करना चाहते हो किसी पार्टी को, आपने किसी से माल खरीदा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पेमेंट करोगे ना, इसका की होता है F5। ओके ठीक है, अब देखते हो नेक्स्ट। F6 मतलब रिसीव, माल किसी को क्या किया, बेचा। माल बेचोगे तो क्या करोगे, आपको पैसा रिसीव करना है ना, तो यहाँ पर पैसे की बात हो रही है। लिखा है रिकॉर्ड ऑल रिसीव्ड ई टू बैंक और कैश अकाउंट, ठीक है। इसमें दिया कि रिसीव और बारोट और टेक, पैसा अगर ले रहे हो तो इनका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। आप अगर चेक के माध्यम से भी ले रहे हो तो रिसीव रखोगे, ठीक है ना। अब इसको कॉन्ट्रा से मत रखना। बैंक की बात करते हैं तो कॉन्ट्रा करते हैं, लेकिन कॉन्ट्रा में क्या, तीन चीज़ें, डी फॉर डिपॉजिट, टी फॉर ट्रांसफ़र, W फॉर विदड्रॉल। इसको ख्याल रखना, DTW, ठीक है ना, WTP ऐसे समझ सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखो क्या है अगले बाउचर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे F7 यानी जर्नल बाउचर, इसमें ये है रिकॉर्ड एडजस्टमेंट बिटवीन लेजर अकाउंट। अगर कोई एक्स्ट्रा वर्क करना होता है तो हम जर्नल का इस्तेमाल करते हैं। यानी एसेट्स की बात करें तो हम जर्नल में एंट्री करेंगे। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे TDS वगैरह करना हो तो, अगर टैक्स काटने की का जो पूरा सोर्स है, हम F7 का इस्तेमाल करेंगे। कैसे यूज़ होता है F7 का, हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं F8 यानी सेल करना। रिकॉर्ड ऑल सेल, यदि आपका कंपनी है, मान लो कपड़े का बिजनेस कर रहा है, जो केवल कपड़ा बेच रहा है, ठीक है ना, कपड़ा खरीदना कपड़ा बेचना, कपड़ा खरीदना बेचना, तो इसका यूज़ कहाँ करेगा, F8 करेगा। यदि अगर वो कंप्यूटर खरीद लेता है, बाइक साइकिल खरीद लेता है, यानी अपने बिजनेस से हटकर, ठीक है, उसको बोलते हैं एसेट्स। एसेट्स की एंट्री कहाँ करोगे, जर्नल में करोगे, ओके ना। ओके, अब देखो ध्यान से, मतलब क्या इसमें पार्टी के बारे में बात हो रहा है। अब बात करें परचेज, F9 का इस्तेमाल करोगे। यानी इसमें क्या है, परचेज ऑल, देखा रिकॉर्ड ऑल परचेज, यानी अपने अपने बिजनेस रिलेटेड कोई सामान खरीद रहे हो तो आपको F9 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। एक और होता है F10, ठीक है। F10 क्या होता है, F10 को पूरा नाम होता है मेमोरेंडम वाउचर। मेमोरेंडम वाउचर का हम इस्तेमाल तब करते हैं जैसे कि किसी को एडवांस वगैरह देना है, या किसी को माल, किसी सामान, आपने पैसा दे दिया, सामान मंगाना है, तो आपको पता नहीं कि उस सामान का वैल्यू कितना है, तो आप इनका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। इनके बारे में मैं पूरा पूरा डिस्कस करने वाला हूँ, ओके। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं। लेज़र क्रिएट करने का एक टाइप ऑप्शन है। हाँ, एक और चीज़ जान लो, इससे पहले यहाँ पे सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा। टैली आप इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल करने के बाद कंपनी क्रिएट करोगे। कंपनी क्रिएशन का मैंने एक वीडियो बना कर रखा है, कैसे हम कंपनी क्रिएट करते हैं टैली में, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है ना। मैं वीडियो का लिंक भेज दूंगा, और आप वैसे भी देख सकते हो प्लेलिस्ट पे जाकर के, आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है कि लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं। यानी इसका प्रोसेस होगा अल्ट के साथ F3 करो, कंपनी क्रिएशन, ठीक है, कंपनी का हमने बता दिया। आपका प्रोसेस क्या होगा, गेट वेब टैली, मास्टर लिखा होगा, अकाउंट इन्फो पे जाओगे, लेज़र लिखा होगा वहाँ पर क्रिएट करोगे, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर गेट वेब टैली, अगर आपको मास्टर अकाउंट ग्रुप क्रिएट करना है तो वही सेम प्रोसेस होगा, लेज़र की जगह ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे यूज़ करेंगे मैं इसका प्रोसेस करके दिखाऊंगा, ठीक है, परेशान मत होना आप एकदम। अब देखो नेक्स्ट है इन्वेंट्री क्रिएशन क्या है। इन्वेंट्री को हम बहुत आगे आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी अभी हमें जर्नल एंट्री को डिस्कस करना है। इन्वेंट्री मतलब क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, QTY की बात कर रहे हैं हम, सिंपल से समझना।
इन्वेंट्री मतलब क्यू टी वाई की बात, क्वांटिटी की बात करेंगे। तो इसको जो क्रिएट करने का तरीका क्या है, अल्ट के साथ F3 करोगे, कंपनी क्रिएट करोगे, मेंटेन अकाउंट एंड इन्वेंट्री भी जाओगे, गेट वेब टैली इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। जैसे क्या था यहाँ पे, यहाँ पे अकाउंट इन्फो लिखा था, यहाँ नीचे लिखा होगा क्या चीज़, यहाँ लिखा होगा इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। मेजर क्रिएट करना है यानी यूनिट की बात हो रही है, पीस पैकेट ये सब होता है, इसको मेजर बोलते हैं। गोडाउन वगैरह रखना है, ठीक है, गोडाउन रख सकते हो। स्टॉक ग्रुप बनाना है वो बना सकते हो, और आइटम बना सकते हो, ठीक है।